थी यहाँ दिल्ली में, चिराग जी से मुलाकात हुई, पूरी जम्मू कश्मीर की टीम गई हुई थी, क्योंकि बेरोजगारी के बहुत ज़्यादा मुद्दे थे यहाँ पे, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा इशू थे, जैसे बिजली पानी का मुद्दा था। आज बिजली के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, घरों में जाकर लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती तानाशाही डाली, जैसे बदमाशों की टीम भेजी जा रही है। तो गरीब जम्मू कश्मीर के लोगों का ऐसा कौन सा जुल्म किया होगा जो इनको दबाया जा रहा है और इन पर जुल्म किया जा रहा है। आज आप देखो बत्ती पानी के जो बिल थे, बहुत ज़्यादा बिल निकाले जा रहे हैं, अगर इनको बिल भी चाहिए तो लोगों को बत्ती काटने वाली कौन सी बात है। आज गरीब आदमी जो है 500-600 रुपये दिहाड़ी लेता था, आज उसकी जाकर लाइट काट रहे हैं, चाहे काटो तो अमीरों की काटो जिनके लाखों रुपये बिल हैं, उनकी लाइट तो काट ली जाती है। तो गरीब लोगों को जुल्म किया जा रहा है। हमने चिराग जी से मुलाकात की दिल्ली में जाके, उनके छोटे छोटे इशू की बात की, जो बिजली पानी के मुद्दे थे, जो डेवलपमेंट के मुद्दे थे, जो नौजवान यूथ हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनका कोई मसला हल नहीं हो रहा है, कोई रोजगार नहीं उनको मिल रहा है। तो हमने ये बात की थी चिराग जी से, उन्होंने हमें पूरा भरोसा और यकीन दिलाया कि आपकी हम पूरी सपोर्ट करेंगे, आपके जम्मू कश्मीर में जो हमने इलेक्शन लड़वानी है पूरी पार्टी हमारी इलेक्शन लड़ेगी, पूरी फुल सीटों में लड़ेगी, हमें किसी से मिलकर सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम गरीबों के मुद्दे उठाए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो छोटे छोटे इश्यू थे, रोडों की प्रॉब्लम थी, पेंशनों के मसले थे, यहाँ बीपीएल के मसले, जिनको बीपीएल मिलना चाहिए उन लोगों को बीपीएल नहीं मिला है, गवर्नमेंट भेज रही है बीपीएल वालों को हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो जन्म गरीब थे उनका ग्राउंड में आके देखिए कि क्या उनको जरूरत है, मिला किसी को बीपीएल, किसी का बीपीएल नहीं बन रहा यहाँ पे, ना टाइम टू टाइम उनको पेंशन मिल रही है। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमने टाइम उनसे टाइम लिखवाया हुआ है, गवर्नर साहब से भी हमें टाइम दें, उन जम्मू कश्मीर के इशू पर हम बात करेंगे। तो बेरोजगारी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसीलिए हमने चिराग जी से मुलाकात की, चिराग जी हमारे जो है 27, 28, 29 को 3 दिन के प्रोग्राम जम्मू कश्मीर का दौरा होता है, उनको हम अपनी टीम से मिलाएंगे, अपने लोगों से मिलाएंगे, जम्मू कश्मीर के जो इशू थे वो हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आज वो हमारे पे हर चीज़ थोपी जा रही है कि पेट्रोल बढ़ने वाला है, डीजल बढ़ने वाला, लोगों को डराया जा रहा है। कोरोना था पिछले दिनों, आप लोग कितने परेशान मजबूर दुखी लोग हो चुके हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों की पार्टी जो बराबर इनकी सपोर्ट करेगी और इनसे हम सपोर्ट करते रहेंगे। हमारा जम्मू कश्मीर का दौरा है, अभी जाने वाले हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारे चिराग जी का यही मैसेज है कि जम्मू कश्मीर में फुल सीटों में इलेक्शन लड़ेंगे हमारी पार्टी।